किया गया है, इसका क्या मतलब है, कितने यहाँ पर कॉलेज और जो चांसलर्स हैं जो बाहर से आए हैं, कितने लोग आए हैं? हमारे इस पूरे कार्य का उद्देश्य ये है कि हम लोग हिंदुस्तान और रशिया की जो दोस्ती है 70 साल पुरानी, वो आजकल ज्यादातर डिफेंस मामले में रहती है, थोड़ा पॉलिटिकल रहती है, लेकिन हम एजुकेशन के जरिए से, एजुकेशन के माध्यम से इस दोस्ती को और गहराई में बदलना चाहते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश में डॉक्टरों की और चिकित्सकों की अत्यंत आवश्यकता है, और ये आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमारे पास हिंदुस्तान में इतनी सीटें हैं। आप सोचिए मिसाल के तौर पर कि करीब 15 से 16 लाख बच्चे हर साल नीट का एग्जाम देते हैं, इस साल करीबन 7,96,000 बच्चे पास हुए हैं, लेकिन हमारे पास सीटें करीब 64 या 65 हजार है। हमारे पास अपने गांव तक चिकित्सकों को पहुंचाने के लिए 5 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो हमारा देश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, उसको हासिल करने के लिए चिकित्सक कहाँ से लाएंगे, इसके पास क्षमता नहीं है। तो इस क्षमता को पूरी करने के लिए हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल एजुकेशन जो हमारा मित्र देश रशिया हमें दे रहा है, हम उसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों के जो सपना है डॉक्टर बनने का, हमारे देश की जो जरूरत है डॉक्टरों की, वो सब हम पूरा कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पास करीब 11 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे मेडिकल के विश्वविद्यालय हैं, कुछ हमारे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो बच्चों को एक दूसरा रूप दिखाने आए हैं कि हम और जगह भी वहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं। वहाँ का सबसे बड़ा जो लाभ है रशिया में, एक तो वहाँ का जो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अनुकूल है। वो लोग हिंदुस्तानी से बेहद मोहब्बत से और बेहद इज्जत के साथ पेश आते हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो कल्चर है वो हमको बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हमारे देश के संबंध अच्छे हैं, तो हमारे बच्चे वहां जाके शीघ्र ही उनमें घुल मिल जाते हैं और कभी उनको ये महसूस नहीं होता कि वो अपने देश से बाहर है। चौथा यह है कि वहां की पढ़ाई का स्तर वही है जो यहाँ पर है, पढ़ाई के स्तर में कोई कमी नहीं है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का जो इक्विपमेंट है, वहां का जो पढ़ाई का वातावरण है, वो बहुत ही अनुकूल है बच्चों को शिक्षा हासिल करने की। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो लोगों के जहन के अंदर ये बात है कि बाहर जाके हम लोग ठीक से या अच्छे स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ वहम है, हकीकत नहीं है। हकीकत में उनको वो सब सुविधाएं मिलती हैं जो उनको यहाँ पर प्राप्त होती है। सर, लगातार भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधाएं मिलती है भारत में, क्या रशिया में पढ़ने जो जो गरीब छात्र है उनको स्कॉलरशिप फैसिलिटी क्या रशियन यूनिवर्सिटी से मिलेगी? बिल्कुल, दो तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो रशियन एजुकेशन, जो भी हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो हमारी वॉर विडोज हैं, उनके बच्चों को रूस एजुकेशन अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देती है। और दूसरा यह है कि रशिया की तरफ से, रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर की तरफ से, वहां पर वो लोग एक आयोजित करते हैं एक परीक्षा, जो लोग उस परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं उस परीक्षा के नतीजे के तहत उनको स्कॉलरशिप इन एडिशन दी जाती है। तो सर, इंडिया से कितने बच्चों का सर रुझान देखा गया है, उधर कितने बच्चों का एडमिशन के लिए या बातचीत करते हैं या जान जाते हैं वहाँ स्टूडेंट? पिछले साल करीबन 7,890 बच्चे हिंदुस्तान से रशिया गए थे पढ़ने के लिए। इस बारे में उम्मीद है और बच्चे जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं रुझान जो देखें तो 2016 में करीब 5,000 गए थे, 2017 में करीब 6,000 गए थे, 2018 में करीब 8,000 गए थे। तो अगर यही रुझान रहा और हमारे देश में इतनी सीटें नहीं बढ़ पाई तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएंगे। एक और चीज है, अभी नीट जो है वो पूरा का पूरा मैंडेटरी हो गया है, नीट का एग्जाम वो पास करके ही बच्चे जा सकते हैं। तो आप सोचिए 8 लाख बच्चे का हमारे पास है, 60,000 बच्चे पास में, 60,000 सीटें हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो सीटें बहुत हैं।